आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सॉकेट के बारे में। यह है इंडस्ट्रियल थ्री फेज सॉकेट। इसको खोलने का तरीका देखिए। थ्री फेज सॉकेट है, ये फेज वन है, फेज टू, उसके बाद ये फेज थ्री, आर वाई बी थ्री कनेक्शन जोड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल का है, और ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग है। तो इसको खोल के हम फिर से आपको जोड़ के दिखाएंगे। जितने भी स्क्रू है वो सब लूज करके एक एक वायर निकाल लेंगे। इसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, न्यूट्रल और अर्थिंग। नेम प्लेट देख रहे हैं, 63 एम्पियर, थ्री फेज इंडस्ट्रियल सॉकेट है। अब हम इसको फिर से जोड़ने वाले हैं। पहले हम फेज वन जोड़ देंगे। जो रेड कलर का वायर है वो हम फेज वन है उसको लाइन वन, येलो कलर का वायर है वो लाइन टू में जोड़ देंगे, फेज टू, और उसको अच्छे से टाइट करना है। लूज रहेगा तो वो जल सकता है आपका वायर। लाइन थ्री में ब्लू वायर जोड़ रहे हैं, ये अपने तीन फेज है, ये अभी हमने जोड़ दिए हैं। अभी जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल का वायर है, उसको हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे। और ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग का वायर है उसको अर्थिंग के टर्मिनल में जोड़ देंगे। पूरे स्क्रू हम अच्छे से टाइट करके लेंगे क्योंकि कोई लूज रहना नहीं चाहिए। सभी वायर अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब हम इसका जो पीछे का कैप है वो लगा लेंगे अच्छे से। कैप लगाने के बाद इसका जो वायर है वो वायर को हमको लॉक करना है, क्योंकि जब भी कोई वो केबल है खींचेगा तो खींचने के वजह से अंदर से जो वायर लगाए हुए है उसमें से कोई कनेक्टर निकलना नहीं चाहिए। और ये इसका लॉक रहता है।